सावधान, जानिए कैसे घर में लगे सीएफएल बल्ब से हो रहा है कैंसर। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने किया है बड़ा दावा। बड़े फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे और आपके घर में जो सीएफएल बल्ब जलता है उन्हीं के बारे में तो आज चर्चा है। जी हाँ, उन बल्ब के जलने से क्या हमारे बॉडी में कैंसर होने का खतरा होता है? जी हाँ, इसी टॉपिक पर आज का हमारा वीडियो। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन यानी घंटे का बटन दबा दो। दबा दिया, वेरी गुड। चलते हैं बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो में। माय फ्रेंड्स, फेडरेशन ऑफ जर्मन इंजीनियर्स के आंद्रोस किचनर का कहना है कि सीएफएल बल्ब स्ट्रीन फेनॉल और नेप्थालीन जैसे जहरीले पदार्थ छोड़ते रहते हैं, वहीं जब ये जलते हैं तो इनके आसपास इलेक्ट्रॉनिक स्मॉग जमा हो जाता है। एक वक्त था जब घरों में सिर्फ पीले वाले बल्ब ही लगते थे, लेकिन जैसे जैसे तकनीक का लेवल बढ़ा, वैज्ञानिकों ने एक नए किस्म का बल्ब की खोज की, इसे सीएफएल यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप कहा जाता है। इसकी रोशनी सफेद होती है, इसमें थोड़ा नीला रंग भी होता है। ये रात में जब जलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दिन हो गया हो। क्या बात है। इसके साथ ये पीले बल्ब की तुलना में बिजली भी कम खाते हैं। यही वजह है कि सरकार ने भी इसे प्रमोट कर दिया। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक तरफ जहां इस सीएफएल के इतने सारे फायदे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इनके नुकसान भी हैं। उस रिसर्च में सामने आया है इसकी रोशनी से इंसानों में कैंसर जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है क्या कहता है रिसर्च? तो सुन लीजिए। इजराइल के हफीफा विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान के प्रोफेसर अब्राहम हाइम की एक रिसर्च रिपोर्ट क्रोनोबायोलॉजी इंटरनेशनल नाम के जर्नल में प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट में प्रोफेसर अब्राहम हाइम कहते हैं कि सीएफएल से निकलने वाली नीली रोशनी जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो उससे हमारे शरीर में बन रहे मेलाटोनिन नाम के हार्मोन कम होने लगते हैं। दरअसल मेलाटोनिन वो हार्मोन होता है जो स्तन कैंसर से महिलाओं को बचाता है। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो महिलाएं रात में सीएफएल बल्ब जलाकर सोती हैं, उनमें प्रोस्टेट कैंसर का खतरा 22% ज्यादा रहता है। ओ माय गॉड। जी हां माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है जर्मनी के साइंटिस्ट भी क्या कहते हैं? सीएफएल को लेकर जर्मनी के वैज्ञानिकों ने भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। जैसे फेडरेशन ऑफ जर्मन इंजीनियर्स के आंद्रोस किचनर का कहना है कि सीएफएल बल्ब स्ट्रीन फेनॉल और नेप्थालीन जैसे जहरीले पदार्थ छोड़ते रहते हैं 24 घंटा। इसके साथ ही जब ये जलते हैं तो इनके आसपास इलेक्ट्रॉनिक स्मॉग जमा हो जाता है। ये इंसानी शरीर के लिए बेहद घातक होते हैं, इसीलिए इन बल्बों का इस्तेमाल बेहद चतुराई से करना चाहिए। खासतौर से इन बल्बों का उपयोग ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए जहां हवा के आने जाने का रास्ता कोई हो। जी हाँ, यानी कि जहां हवा के आने जाने का कोई रास्ता ना हो। और सिर के पास तो इन बल्बों को भूल कर भी जलाना नहीं चाहिए। जी हाँ, क्योंकि अगर वो सीएफएल बल्ब हमारे सिर के पास अगर जलेगा तो जाहिर सी बात है हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन सिस्टम है तो वो भी प्रभावित होगा। कैसा लगा जानकारी? माय फ्रेंड्स, तभी तो कहता हूं कि हमारा चैनल जो दुनिया नॉलेज टीवी बड़ा ही नॉलेजफुल वीडियो से भरा भरा है। तो प्लीज गाइज, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। मस्त रहो, खुश रहो और मुस्कुराते रहो।